हेलो बच्चो लेट्स सिर दिस क्वेश्चन द क्वेश्चन से ग्लास ट्यूब ऑफ यूनिफॉर्म इंटरनल रेडियस आर हैज अ वैल्यू सेपरेटिंग द टू आइडेंटिकल एंड्स इनिशियली द वैल्यू इज इन अ टाइटली क्लोज पोर्शन पोजिशन इन वन हैज हेमी एस्पेरिकल सो बबल ऑफ रेडियस आर इन टू हैज सब हेमी एस्पेरिकल सो बबल बबल हैज सोन इन फिगर जस्ट आफ्टर ओपनिंग द वॉल्व ऑप्शन ए एयर एयर फ्रॉम इंड वन फ्लो टू वाट्स इन टू नो चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ द सो बबल्स बी एयर फ्रॉम इंड वन फ्लो टू वाट्स इन टू वॉल्यूम ऑफ द सो बबल एट इंड वन डिक्रीजेज सी नो चेंज अकर्स डी एयर फ्रॉम इन टू फ्लो टू वर्ट्स इंड वन वॉल्यूम ऑफ द सो बबल एट इंड वन इनक्रीजेज सो द की कॉन्सेप्ट यूज हियर इज लाइक सर्फेस टेंशन एंड वी नो द रिलेशन बिटवीन द प्रेशर लाइक अगर हमारे पास कोई ऐसे हेमेस्फेरिकल सर्फेस दे रखा हो राइट right? तो जो प्रेशर लाइक आउटसाइड द सर्फेस एंड इनसाइड द सर्फेस और वि से लाइक डिपेंड ऑन द लाइक जो सर्फेस है वो कौन के वे कॉन्वेक्स है अगर कॉन्वेक्स है तो है, हमारा outside surface ये हमारा आउटसाइड सर्फेस होगा ये इनसाइड सर्फेस होगा जो एक्सेस प्रेशर होगा वो क्या होता है दैट इज इक्वल टू फोर सो बबल क्या होता है दैट इज फोर एस अपॉन आर राइट आर क्या होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर राइट एंड दिस इज फोर लाइक सो बबल नाउ क्वेश्चन में दे रखा है कि लाइक like पहले क्या था लाइक like जो इंटरनल रेडियस था दोनों के इक्वल था आर के इक्वल राइट बट जैसे ही ये वॉल्व खोलते हैं तो जो इंड वन है उसका रेडियस लाइक वो हेमीस्फेरिकल सो so बबल लाइक like बनाता है रेडियस आर आर का राइट एंड इन है जो सब हेमेस्फेरिकल सॉप बबल बनाता है राइट एंड वी नो जो सब हेमेस्फेरिकल बबल का जो रेडियस होता है वो ग्रेटर देन द हेमस्फेरिकल लाइक सॉप बबल हो जाएगा राइट right? सो so यहाँ से हम कह सकते हैं आर टू इज ग्रेटर देन आर वन राइट सो इस केस में क्या हो जाएगा डैट इज पी टू राइट इज लेस देन पी वन यानी पी वन इज ग्रेटर देन पी टू राइट right? जब पी वन बड़ा होगा तो इस लाइक तो क्या हो जाएगा जो एयर का फ्लो होगा राइट right? ये हमारा ऐसे है ये हमारे टू हैंड एंड ये वन है राइट right? अगर पी वन ज्यादा होगा तो क्या हो जाएगा जो एयर का फ्लो होगा जो वन से टू की ओर होगा राइट right? है ना क्यों से वॉल्व खोलते हैं क्या होगा कि जो एयर जो लाइक इसका प्रेशर ज़्यादा है तो फ्लो हाइयर टू लोअर प्रेशर की ओर मूव करता है राइट तो एयर फ्लो करके वन से टू की ओर जाएगा राइट सो so, हमारा क्या ऑप्शन हो जाएगा लाइक जो एयर जो फ्लो करेगा वन टू लाइक फ्लो फ्रॉम वन इन टू सेकेंड इन सो फर्स्ट सरफेस जो प्रेशर है वो ज़्यादा है राइट तो प्रेशर ज़्यादा होने से रेडियस कम है तो वॉल्यूम भी क्या होगा कम डिक्रीज रहेगा लाइक वॉल्यूम डिक्रीज रहेगा डैन द सेकेंड सरफेस राइट सो so, हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा डेट इज ऑप्शन ए क्या है एयर फ्रॉम इंड वन फ्लो टू द इन टू करेक्ट है ए वन से के no like, तो सेकेंड केयर फ्लो करेगा एंड नो चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ द सो बबल लाइक यहाँ पर तो चेंज होगा ना क्योंकि वॉल्यूम क्या होगा इसका डिक्रीज करेगा तो ये हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा नौ बी ऑप्शन है एयर फ्रॉम इंड वन टू द फ्लो टू वार्ड द इन टू तो ये तो करेक्ट है कि वन से टू ओर मूव करेगा एंड वॉल्यूम ऑफ द सो बबल एट इंड वन डिक्रीजेड यस yes, अगर ये स्लो लाइक like ये फ्लो करेगा तो वॉल्यूम क्या होगा डिक्रीज होगा क्योंकि रेडियस यहाँ क्या है ज्यादा है तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा राइट नो ऑप्शन ये नो चेंज है कर्स यहाँ पे तो चेंज होगा राइट बट डी में क्या दे रहा है एयर फ्रॉम इन टू फ्लो टू द इंड वन तो ऐसा तो नहीं हो रहा है इंड वन से टू क्योर हो रहा है इन टू से वन क्योर नहीं हो रहा है तो ये भी हमारा इन हो जाएगा सो द आवर फाइनल आंसर ही डेट इज ऑप्शन बी होप यू अंडरस्टूड इट ऑल द बेस्ट